अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, उम्मीद है अल्लाह ताला के फजल और अल्लाह ताला के करम से आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मेरी दुआ है अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला मेरे बहन भाइयों को हमेशा खुश रखे, शादो आबाद रखे, दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की दे, आमीन सुमा आमीन। इस दुआ के साथ आज के व्लॉग का करते हैं आगाज़। तो वीडियो का आगाज़ करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट भी होती है कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल फियाज़ भाई को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली रिक्वेस्ट होती है कि सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दें ताकि जो भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। काफ़ी दिनों से कॉमेंट्स आ रहे थे कि भाई लसूड़े की जो रेसिपी है वो ज़रूर शेयर करें, प्लीज़ भाई शेयर करें। बहुत ज़्यादा बहनों के भी कॉमेंट्स आ रहे थे, भाइयों के भी आ रहे थे कि भाई ये रेसिपी शेयर करें हमसे। तो आज फिर मैंने डिसाइड किया कि अभी ना लसूड़े, फिर मैंने अम्मी जी से सुबह बात की तो अम्मी जी ने कहा कि लसूड़े जो हैं वो बिल्कुल अब पक गए हैं तो अब उनका अचार अच्छा बनेगा। जी ने कहा कि आज लसूड़े का अचार डाल देंगे, फिर तो चलें फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि हम लोग लसूड़े का अचार किस तरह डालते हैं। तो ये मेरे पीछे लसूड़े हैं। तो पहले भी मैंने बहन भाइयों की जो बात बोली थी मैंने पहले ही वो उनकी जो ख्वाहिश थी वो पूरी कर देनी थी, लेकिन फिर अम्मी जी ने बोला था कि कच्चे लसूड़े हों तो उनका अचार सही नहीं बनता, वो ब्लैक हो जाता है। लसूड़ों को बिल्कुल पकने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि जो लसूड़े जिस तरह का जिनका अचार अच्छा बनता है। काफ़ी लोग फिर ये करते हैं कि लसूड़े जैसे ही लगते हैं वो उनका ना अचार डाल देते हैं, वो फिर ब्लैक हो जाता है, ख़राब हो जाता है, अंदर से वो सही नहीं रहता। तो अभी मैं आपको ना थोड़ा कैमरा क्लोज करके दिखाता हूँ कि किस तरह के लसूड़ों का अचार डालना चाहिए। बहुत थोड़े रह गए हैं, काफ़ी ज़्यादा लोग तोड़ के ले गए हैं। अब ये देखें, इधर ये देखें, इस तरह के जो लसूड़े होते हैं ना उनका अचार सही बनता है। बाकी जो ज़्यादा कच्चे होते हैं ना जिनका कलर इस तरह का अभी ज़्यादा मतलब ग्रीन ग्रीन होता है, वो इस तरह का पत्तों जैसा, वो फिर उनका अचार नहीं सही बनता, ऐसा का अचार सही बनता है। तो चलिए अब मैं टोकरी लेके आता हूँ तो फिर तोड़ते हैं और फिर आपको भी दिखाते हैं सारा कुछ। वो देखिए सामने कुछ हमारे चाचा भाई भी आए हुए हैं, वो भी मांग रहे थे कि लसूड़े, हमने लसूड़ों का अचार डालना है तो लसूड़े हैं तो हमने कहा ठीक है भाई आप लोग भी ले जाएं, हम लोगों ने इतने क्या करने हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। चंगे चंगे सारे थक गए, वही कहने इतने एडा मोटे अल्लाह दे बंदे लग गए सीगे। थोड़े दे होर कोई बूटा कोई नहीं तुहाडे छोटा मोटा हैगा लाउणा यार तुसी आप ला। अच्छा निक्का ओ नहीं है, ओ तो बड़ा यार, ओ ते घर दे सामने ओ लगा, हुन तो खुद लसूड़े नहीं थोड़े थोड़े लग गए। किथे लगा ओ? घर दे सामने। बड़े महंगे बिकते साल दरख्त ये पक्के लसूड़े ये वाले, ये बिल्कुल पक गए हैं, इनका अचार नहीं बनता ये जो पक जाते हैं इनका। और बाकी ये अभी तोड़ के घर लेके आए हैं तो बाकी अब अम्मी जी बताएंगी कि आगे क्या करना है। मुझे ये तार नहीं है, ये तार के तो तोड़ लेने मतलब भाई ने जड़ी डुनिया जियां होंदी है तार लेनी है, इस तरह साफ रखने है। ये वाली है तो इधे वाली दे तो ये हम सुख गई ज्यादा होने, ये तार के तो तोड़ के पाने, तोड़ के पाने है कि अम्मी जी जड़े आ इदां दे फट जांदे है तो नहीं ना पाई दे। अच्छा साफ साफ पाने होंदे है ना। चलें भाई अम्मी की हेल्प करवाते हैं। अम्मी ये तो खराब नहीं। अच्छा
बस अम्मी जी हो गए साफ इन्हों उबालना। हाँ जी चलो फिर जो भी करना। चलो मुझे मर्त बांध पाना। अम्मी मर्त बांध साड़ी दादी जी ने नहीं सी लिया अपना भी डोर ना जाए। हमारी जो फूफो है ना, एक हमारी तो करीबी रहती है, उनका भी मैंने चार गिरा दिया था। उसके अलावा फैसलाबाद में गया था, वहाँ भी उनका भी चार मैंने गिरा दिया था। और ये निशानी हमारी दादी जी की हैं, उन्होंने लिया था, तो हम अब भी बहुत संभाल के रखते हैं ये। तो आज भी इसी में हम लोग अचार डालेंगे। मैंने कहा था अम्मी जी ये मर्तबान है तो उसी में डालेंगे। अम्मी जी हम तो नहीं ना मिलते ऐसे मिलते वो लैके आवाना। और फिर मैं जिस दिन मैं हूँ गया ना वो लैके आना, फिर मैं अचार उन्होंने डालेंगे। अम्मी जी ले लाया। हाँ ले लाया सुना के काली हो जाने का कढ़ाई चो से टील दिया था नाली चुंबर जाने। अच्छा की रखिया तेल 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 चुपाई दिया है तेल च पुलने। हाँ तेल ही मुड़के पाना। अच्छा और गरम करो मैं तेज करूँ चाली चाली बातें हम खुशक हो जाता है। अगर दूसरी तरह जे वाल के पाइए ना पानी पा के पा ली गया पानी च खुशक नहीं होंगे। हाँ फिर जायका भी नहीं अच्छा होंगे। इन्हें हम भुनना कि देर तक 10 मिनट भुना। अच्छा भी अब 10 मिनट तक इन्हें ना भुनेंगे तो भुन के फिर हल्दी का नमक पा। भुन लिया मुझे 10 मिनट। 10 मिनट भुनने के बाद अब इसमें हल्दी डालेंगे। ਮਿੱਟੀ ਹਲਦੀ ਦੀ ਮਕਦਾਰ ਮਤਲਬ ਸੂੜੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੜੇ ਜਾਨੀ ਕਿ ਹਰ ਸੂੜੇ ਤੇ ਆ ਜੇ। ਹਾਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਾ ਦੇ ਨੇ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਹਲਦੀ ਉਹ ਨਮਕ ਕੱਢ ਦੇ ਹੁਣ ਪਾ ਲੈਣਾ ਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਿਰ ਠੰਡੇ ਹੋਗਾ ਫਿਰ ਪਾ ਲੈਣਾ। ਮੈਂ 3-4 ਕਿਲੋ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ 2 ਕਿਲੋ ਹੋਣੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਕਿਲੋ ਹੁਣ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਕਿਲੋ ਬਣਦੇ ਆ ਨਾ ਚੜਦੇ ਕਿਹੜੇ 4 ਤੇ ਚੜਦੇ ਕਿਲੋ ਦੇ ਬਜਨੀ। ਓਏ ਹੋਏ ਅੰਮੀ ਤੱਕ ਨਾ ਮਾਰੋ ਅੱਗ ਤੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ ਸੱਚੀ ਇੰਨੀ ਸੇਕ ਪੈਂਦਾ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਬਸ ਇੱਧੇ ਰਹਿ ਪੈ ਰਹਿੰਦਾ ਨਾ। ਹਾਂ ਹੁਣ ਘੜੀ ਠੰਡੇ ਹੋ ਜਾਣ ਬਸ ਲਾ ਲੈ। ये वो नसूड़े हैं जो हमें इधर हमारे हमसाए हैं वो डाल के देते हैं। वो बहुत अच्छा ना अचार उनका बनता है हाथ का, तो ये उनसे डलवाया है हमने नसूड़ों का। इनमें से आपियों को भी देना है और हमने घर के लिए भी खुद के लिए भी रखना है। चलो अम्मी जी ये कि चीज़ पानी हम करवंजी। हाँ ਧਨੀਆ ਵੀ ਪਾਇਆ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਪਾਇਆ ਨਮਕ ਤੇ ਮਿਰਚ ਥੋੜੀ ਉਹ ਪਾਣੀ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਪਾਣੀ ਚਲੋ ਪਾਓ। ਅਸੀਂ ਆ ਵੱਡੀ ਤੇਲ ਵਾਲੀ ਬੋਤਲ ਵੀ ਚੱਕ ਲਾ। ਤੇਲ ਵੀ ਪਾਣਾ ਅਜੇ ਤੇਲ ਵੀ ਨਾਲੇ ਪਾ ਦੇਣਾ ਨਾ ਤੇ ਚੜਾ ਦੇ। ਹਾਂ ਓਏ
मसाले सारे थले चल गए ना सुके से मैंने सूढ़िया का ना इन्ना चार पाया करो तेल ये तो सारी बोतल नहीं पै जाएगी सारी छटकी सारी पैनी इन्ना तेल पै जाना चार सस्ता बनता ये तो बहुत महंगी चीज बनती है फिर गाजर बड़ा जबरदस्त पालना मामू बड़ा बस जे जो ना कढ़ाई चक्कर ना ला दें तो मलक मलक अगे सिट नूं भज मोटा अगो चट्टा चलेगा बकरा चलेगा क्या अम्मा जी ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਬੱਕਰਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮੋਇਸ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ ਤਮ ਜੀ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਬਾਲੇ ਬਾਲੇ ਨਾ ਸੁਣ ਕੇ हां जी ऐसी जेड़े तुड़के उन लाता लून मसाला हां इना लाता हुन की लाया मिर्च हल्दी ते फिर बाल्टी बर्तन च पावांगे ना दोपहर पै रहणगे अच्छा पिछले टाइम बाल्टी च पाना फिर धनिया का मेथे मिक्स सारा कुछ पा देना अच्छा ये हुन रख देने इदी चलो सही अच्छा भी इना नु सुड़िया नु भी लून मिर्च मसाला लगा के रख दित्ता है हैं चलें जी इसी के साथ हमें इजाज़त दें कल मिलते हैं एक नई वीडियो और एक नए व्लॉग के साथ तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफ़िज़